विकास के एक्सप्रेसवे का सर आपका विजन क्या है, यहीं से शुरुआत करेंगे। मैंने कुछ बातें बताई, ईवी पे आप कहते हैं अब पूरा इंडिया धीरे धीरे चला जाएगा, आप हर किसी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है, ईवी कब लेने वाले हो तो मेरा सवाल आपसे यह है कि विकास के एक्सप्रेसवे पर आपकी गाड़ी कितनी तेज दौड़ रही है, स्पीड ब्रेकर तो नहीं है, टोल नाका तो नहीं है, कहीं विपक्ष वहां टोल नाके पर परेशान तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अक्सर टोल नाके पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैंने अपने ऑफिस में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनके एक स्टेटमेंट को लिख कर रखा है। वो स्टेटमेंट ये था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, और इसलिए आप अभी हमने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। एक दिन में 38 यानी कोविड के पीरियड के बावजूद वर्ल्ड में हाईएस्ट रोड कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवे में हमने 38 किलोमीटर पर डे किया, एक समय वो 2 किलोमीटर पे आया था। दूसरी बात हमने ये की कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर बड़ोदरा के पास 2.5 किलोमीटर 4 लेन कॉन्क्रीट रोड 24 घंटे में बनाया, और एक सोलापुर विजापुर ये जो एक 1 लेन बिटुमिन रोड 26 किलोमीटर 22 घंटे में बनाया। ये तीनों रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गए। तो आज हमारे देश का रोड नेटवर्क बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है, और मुझे लगता है मैंने वर्णन करने के बजाय लोगों को अनुभव आ रहा है, क्योंकि मुझे SMS आते रहते हैं। अभी मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, तो अब मेरठ से दिल्ली 40-45 मिनट में आते हैं। और मैं अभी कल प्रधानमंत्री जी दिल्ली से डेहराडून इस नए एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन का भूमि पूजन कर रहे हैं, तो उसमें 2 घंटे में दिल्ली से डेहराडून, 2 घंटे में हरिद्वार, 2 घंटे में जयपुर, 2 घंटे में दिल्ली से चंडीगढ़, 4 घंटे में अमृतसर, 6 घंटे में कटरा, और 7.5-8 घंटे में श्रीनगर। ये 2 साल के अंदर किसी भी स्थिति में पूरा होगा, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा, और मद्रास से बेंगलोर ये भी करीब 2-2.25 घंटे में हो जाएगा। तो ये इतने बड़े 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से नेटवर्क अच्छा होगा। रही बात जो आप व्हीकल की कर रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। मैं अभी दिल्ली में हूँ, 2-3 दिन जब रहता हूँ तो मुझे सुबह इन्फेक्शन हो जाता है पोल्यूशन के कारण। हमारे सबके हेल्थ के ऊपर पोल्यूशन का परिणाम है। अब दिल्ली में 400, 450 तक गया हुआ है, और इसके जो अलग अलग कारण है उसमें से हमारे डीजल और पेट्रोल के कारण जो पोल्यूशन होता है वो भी है। तो हमारी नीति है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। अभी 8 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, और ऐसा ही चलता रहेगा तो वो 25 लाख करोड़ का होगा। तो हम सब अल्टरनेटिव पे काम कर रहे हैं, और पहली बात हम कोई पेट्रोल डीजल को बंद नहीं कर रहे हैं, वो भी रहेंगे, लोगों को ऑप्शन होगा। अब जैसे उदाहरण के लिए आप अगर पेट्रोल गाड़ी से जाएंगे तो 1 किलोमीटर में 10 रुपये लगेंगे, और डीजल में 7 रुपये लगेंगे, तो इलेक्ट्रिक में 1 रुपया लगेगा। और फ्लेक्स इंजन, जिसका मतलब 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल, ये पूरे ब्राज़ील में, कनाडा में और अमेरिका में है, और उस गाड़ी की कीमत ही उतनी, और जितनी आज इंडियन मार्केट में ब्रांड्स इनके सबके हैं, तो वो चॉइस अब मिल जाएगा। तो स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार, इसमें इथेनॉल डालेंगे तो इथेनॉल का रेट होगा 60 रुपीज़ पर लीटर, और पेट्रोल का होगा 120। तो नेचुरली पैसा भी बचेगा, पोल्यूशन भी कम होगा, और इथेनॉल के कारण किसानों को फायदा भी होगा और इम्पोर्ट भी कम। या फिर आप सरकार को बचा रहे हैं संकट